दोस्तों आज हम एक बात करेंगे ऑप्टिकल एनकोडर मॉड्यूल की। अब पहले आपको पता चले कि ऑप्टिकल एनकोडर मॉड्यूल क्या होता है। अब आप जो है माउस देखते हैं, माउस में क्या है, घेरा सा होता है। आप बीच वाले घेरे को आप घुमाते रहते हो तो उससे पेज आपका स्क्रॉल हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है माउस के इससे। उसका जो जो काम करता है, जो चीज वो काम करती है, वो होती है ऑप्टिकल एनकोडर मॉड्यूल। ये काम करता है ऑप्टिकल एनकोडर होता है। ये वो सारे काम करेगा कि हम उस एक उंगली से अपने जो माउस के स्क्रॉल बार है उसको घुमाएंगे और वहां वहां डिजिटली वो सारे काम करेगा, प्रोसेस करेगा, सिग्नल देगा, वहां से फीडबैक मिलेगा और फीडबैक मिलने के बाद हमारा जो भी चीजें हैं, पेज को खिसकना है, साइड में होना है, सब चीजें उसमें होंगी। ये बनाए हैं एजिलेंट टेक्नोलॉजी, काफी बड़ी मतलब साइंटिफिकली काफी बड़ी कंपनी है। और ये जो पार्ट नंबर है इसका, ये है HEDS9700। अब इसके फीचर्स हम जरा देखते हैं कि फीचर इसके क्या क्या है। फीचर इसके देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, कम कॉस्ट है, मल्टीपल माउंटिंग ऑप्शन, लीनियर एंड रोटेटरी ऑप्शंस अवेलेबल। यानी लीनियर का मतलब होता है सीधा, अगर सीधा चल रहा होगा कोई तो भी ये उसको डिजिटली चेंज कर देगा, और कहीं पर अगर रोटेटरी है यानी घूम रहा हुआ होगा, कहीं घूम रहा होगा तो भी ये उसको डिजिटल सिग्नल में बदल देगा। कोई सिग्नल की एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, पूरा काम है, दो चैनल मिलेंगे आउटपुट के। TTL कंपैटिबल है, TTL CMOS ये टेक्नोलॉजी होती है जिससे हमारी IC बनती है, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री MOS, TTL है ट्रांजिस्टर लॉजिक। वोल्टेज लेवल का अंतर होता है और जिस तरीके से हम एक IC जब बेसिक बन रही होती है, रहता है उसमें ट्रांजिस्टर ही है, वो सब ये बनाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें है क्या, ये देखेंगे हम नीचे को आते हैं, ये चीज है इसमें है क्या। तो इसमें ये देख रहे हो आप, ये बीच की प्लेट, ये तो पूरा मॉड्यूल है, ये देखेंगे ये पूरा मॉड्यूल है। चार इसकी पिन है, अभी पिन का भी बताऊंगा कि आगे पिन का कौन कौन सी पिन कहाँ जानी है। ये यहीं पर आ गया सामने, ये देखो एक VCC की पिन है, इसमें हम सप्लाई देंगे, ये ग्राउंड की पिन है, ये दो चैनल हैं, चैनल ए है और चैनल बी है, दो चैनल हैं। दोनों चैनल हमें दो चैनल चाहिए होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आगे वो घूम रहा है पीछे वो घूम रहा है, वो लॉजिक आगे बताऊंगा। ये जो जगह है, ये वाली जगह दिख रही है आपको, ये यहाँ पर हमारा कोई भी जो व्हील है या चक्कर है जो हम घुमाएंगे वो यहाँ घूम जाता है। मैं अब आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूँ तो आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। हम इधर आते हैं, देखिए ये दिखा आपको, ऐसे हम जो ये जो चक्कर है ये घूमता रहेगा और यहां पर जो है इधर लगा हुआ है ऑप्टिकल एनकोडर। जैसे ये इधर घूमेगा तो इसको एक अलग सिग्नल जाएगा, ये इधर घूमेगा तो इसको एक अलग सिग्नल जाएगा, ये जिधर इधर घूमेंगे इनको अलग अलग सिग्नल जाएंगे। यहां पर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहां पर लगा हुआ है, ये इसका धुरी है। इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो ऐसे है, इसके बीच में ये घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। तो यहाँ से अभी इसका फंडा बताऊंगा भी कैसे ये काम करता है। तो अभी हम ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के देखते हैं हम इसको, ये आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक हमने देख लिया था, आगे अब इसके थोड़ा मैं आपको वर्किंग बताऊंगा क्या है इसका। वर्किंग बड़ी आसान है इसकी, ये देखो यहाँ पर क्या है, एक LED है हमारी, ये देख रहे LED है, LED है, यहाँ पर ये लेंस है, LED की लाइट यहाँ पर आएगी और ये लेंस है, लेंस से जो भी अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ये सीधी हो जाएगी। और यहाँ क्या कर रखे हैं, दो छेद कर रखे हैं, एक छेद यहाँ और एक छेद यहाँ, दो छेद हैं। इन दोनों छेद में से LED की रोशनी सीधे सामने जाती है और यहाँ पर लगे हुए हैं फोटोडायोड, ये देखें फोटोडायोड है। जब यहाँ की LED की रोशनी पड़ेगी इसमें करंट उत्पन्न होगा। यहाँ पर एक सेंस, यहाँ पर रेफरेंस का पूरा सर्किट है, सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है और दो कंपैरेटर लगा दिए, ये कंपैरेटर ये कंपैरेटर, इसको कब इसको बाहर होना है, कब कब ये एक होएगा मतलब वन देगा, कब ये वन देगा, ये हमारा सब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर रोशनी कैसे पड़ रही है, हमारी यहाँ पर रोशनी कैसे पड़ रही है सारा उस पर डिपेंड करेगा कि ये कंपैरेटर वाले में से इसमें से आउटपुट बन जाएगा या फिर इसका आउटपुट बन जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन में तो क्या है कि इसको सीधे यहाँ से लाइट आई और ये अंदर चली गई, लाइट आई अंदर चली गई, ठीक है।
अब कहीं भी मान लो इसको ऑब्स्टिकल कहीं मिलता है, कहीं भी कोई ऐसा चीज मिलती है, आप देखोगे जो पीछे जो अभी आपको मैंने चक्कर दिखाया था उसमें बीच बीच में जगह थी, जगह थी बीच बीच में, वो जो बीच बीच की जगह है वो यहाँ रोस्टर डालने के लिए, कि जब वो घूमेगा तो जैसे घूम रहा है तो कभी जगह आएगी कभी हटेगी, कभी आएगी कभी हटेगी, जैसे ही एक जगह आई हटी तो यहाँ एक सिग्नल जनरेट हो गया, फिर आई हटी सिग्नल जनरेट हो गया। तो इसमें और इसमें दोनों में हमें ये दिखना है कि एक टाइम पर सिग्नल जनरेट ना हो, तो इसका गैप जो है, ये जो गैप है ये वाला, ये हमें कम रखना है, ये स्टैंडर्ड आती है कम रखना है, और उससे क्या होगा कि इसका हमें पता चल जाएगा कि ये ऐसे घूम रही है या फिर ऐसे घूम रही है, वो हम एनालाइज करेंगे देखेंगे कि कौन सा सिग्नल पहले मिल रहा है हमें, ये सिग्नल पहले मिल रहा है या फिर ये सिग्नल पहले मिल रहा है, जो सिग्नल पहले मिल रहा होगा हम उसके हिसाब से इसको काम करेंगे, इसको देखेंगे पीछे, ये देखिए थोड़ा इसका थ्योरी ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे अगर हम, तो साफ लिखा हुआ है कि सी शेप का है, आईआर एमीटर भी है मॉड्यूल भी है, देखें कपल्ड हो गया, कपल्ड विद अ कोर्ड व्हील, यानी कि उसमें जो छोटे छोटे छेद बने हुए ना वो एक तरीके से कोर्ड है हमारे, वो ट्रांसलेट करेगा, टू चैनल में आएगा, जो उसकी मोशन होगी रोटेटरी मोशन होगी उसको दो चैनल में वो ट्रांसलेट करेगा और डिजिटल आउटपुट देगा, कपल्ड विद अ कोर्ड स्ट्रिप, सेम वही बात लीनियर को भी करेगा, इसको तो कोर्ड स्ट्रिप चाहिए, वो अगर कोर्ड स्ट्रिप लीनियर है तो ये लीनियर में ट्रांसलेट करेगा, वो कोर्ड स्ट्रिप अगर रोटेटरी है तो इसको रोटेटरी में ट्रांसलेट करेगा। आप देख रहे हैं बता रहा है कि एज सीन द ब्लॉक डायग्राम, नीचे ब्लॉक डायग्राम था अभी हमने देखा था, लाइट एमिटिंग डायोड है, आया बीम कलेक्ट हुई, सीधे अपोजिट में क्या है एमीटर, एमीटर के अपोजिट में क्या है फोटो फोटो डिटेक्टर, फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो डायोड है, जिसमें कि जब जैसे ही उसमें उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वो काम करने लगेगा, ऐसे ही कोई बात है कि सर्किट काम हो जाएगा, कोड भी डिपेंड करेगा कि उसकी जो लंबाई है कितने उसमें छेद हो रखे हैं, तो एक बार जब घूमेगा मान लो उसमें 25 छेद हो रखे हैं, तो एक बार जब घूमेगा तो 25 बार लाइट को पास करेगा, बस आगे हम ये हमारा जो सर्किट है, ये जो हमारा मतलब सेंसर है, ये जाएगा किसी माइक्रो कंट्रोलर से, अब जब ये माइक्रो कंट्रोलर से जाएगा हम उसको बता देंगे कि देखो ऐसे, क्योंकि तो एक टाइम पे ना इसका दोनों सिग्नल ऑन नहीं होने के, दोनों में देरी होगी, ये जो देरी है देखो ये यहाँ से ऑन हुआ है और ये वाला यहाँ से ऑन हुआ है, इसके बीच में ये देखेंगे यार, इसके बीच में गैप है, कभी दोनों एक साथ में ऑन नहीं होंगे क्योंकि दोनों के बीच में गैप है, ये गैप से हमें पता चलेगा कि पहले अगर ये ऑन हुआ तो एक डायरेक्शन है उसकी, और पहले अगर ये आया तो उसकी एक डायरेक्शन, हम इससे डायरेक्शन का भी पता लगाते हैं। और अगर इसे और डाटा शीट की बात करें हम, ये इसमें कैलकुलेशन दे रखी है कि अगर जिस भी मतलब जो भी काउंट है, यानी कि काउंट्स पर रेवोल्यूशन, एक राउंड में मतलब एक रेवोल्यूशन में कितने वो काउंट कितनी बार वो करेगा, मैंने बताया आपको जितने उसमें छेद होंगे उतनी बार लाइट पास होगी तो उतने हमें उसमें सिग्नल मिलेंगे। अब हम इसको किस तरीके से आगे अपना काम लें, इसको यूज कैसे करें, कहाँ हमें यूज करवाना है, वो फिर हमारी बात है, इसको जो करना था इसने अपना काम कर दिया। नीचे आएंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, वोल्टेज काफी कम करंट है इसका, आप देखोगे टेम्परेचर सप्लाई वोल्टेज नॉर्मली जो हमें चाहिए होती है वही सप्लाई वोल्टेज है इसकी, ये देखो ये सप्लाई वोल्टेज है नॉर्मल, इसकी 4.5 से 5 वोल्ट का, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और करंट भी बहुत कम है, एनकोडर कहा जाएगा, करंट देखिए बड़े बड़े बड़ा ही कम करंट है इसमें, ये देखो 17 mA टिपिकल है, मतलब बहुत कम करंट है, 40 mA तो मैक्सिमम है, 2.5 वोल्ट को ये हाई लेवल मान लेगा। ये कोड व्हील के बारे में है कि हमें जो गैप रखना है, ये दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये जो एक जो विंडो है, ये जो खिड़की है, खाना है, इसका साइज कितना होना चाहिए, वो सब इसमें डाटा शीट में बता रखा है, और उसके बाद फिर ये सारा कैलकुलेशंस वगैरह वो सारी चीजें की हुई है, ये हमारे काम आएंगी अब जब हम उसको इसके बेस पर डिजाइन करेंगे, यहाँ इन सब का डायमेंशंस वगैरह है कि आप उसको आप किसी मैकेनिकली उसमें फिट करना चाहेंगे तो आपको ये सारे डायमेंशंस का ध्यान रखना होगा, आप इसके ब्लॉग बनाना चाहते हैं कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इस इन सब डायग्राम्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब वही है डायग्राम्स चल रहे हैं।
सब वही है डायग्राम्स है। ये माउस में बहुत ज्यादा यूज होता है आपका, और या फिर कहीं भी रोटेटरी ऐसा कोई चीज है जैसे गिनना है, कुछ रोटेशन वाली बात है, कंट्रोल करना है, तो वहां काम आएगा। दो चीजें हैं, हमें दोनों चीज ध्यान रखना है। एक तो ना तो हम इनको जो ये जो खाने हैं छोटे छोटे, ना तो हम इनको ज्यादा छोटा कर सकते ना हम ज्यादा बड़ा कर सकते। ज्यादा अगर बड़ा करेंगे तो हमारे जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो कितने नजदीक से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारा रेजोल्यूशन हमारी बढ़ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी रेजोल्यूशन, यानी वो हमारा और बेकार हो जाएगा। और ज्यादा पता रख दिया तो पता चल रहा है कि एकदम आया और गया, इसने ढंग से सिग्नल नहीं दे पाया ये, तो ना तो हम इसे ज्यादा पतला रख सकते ना ज्यादा मोटा रख सकते हैं। ये यहाँ पर बीच में ये घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, आप देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ये बीच में यहाँ से लाइट डालेगा, ये यहाँ पकड़ेगा, ये लाइट डालेगा पकड़ेगा, और यहाँ सिग्नल को हम अपने हिसाब से जो हमें प्रोसेस करवाना है वो हम करवा देंगे। आगे इसके वैसे स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आ गया प्रोसेसर, इसके पार्ट नंबर डिटेल्स आ गई। तो डाटाशीट में हमारे लायक इतना ही था जो हमें जानना था। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी और नए कंपोनेंट के साथ, नए मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।